दोस्तों कोहली ने तो जीत का ऐलान कर दिया है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह लगता है कि भारत ही दूसरा मैच जीतेगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार से कोलंबो में खेले जाने वाले सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से पहले श्रीलंकाई टीम को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया मैच के लिए बिल्कुल तैयार है। विराट कोहली के अनुसार वर्तमान में भारतीय टीम किसी भी विपक्षी टीम को पराजित कर सकती है। साथ ही उन्होंने टीम की सलामी जोड़ी को लेकर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विराट कोहली के अनुसार हमारी टीम में कई सारे बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। जब आपके पास एक मजबूत टीम होती है तब आप सिर्फ अपनी रणनीति पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। हम कोलंबो में अपनी जीत की लय को बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगे। वर्तमान में हम किसी भी विपक्षी टीम से टकराने को तैयार हैं। मुझे अपनी टीम पर गर्व है, उन्होंने कहा। लोकेश राहुल लाजवाब बल्लेबाज हैं और उनको टीम में जरूर चुना जाएगा, मगर ये सब पर स्थितियों पर निर्भर करेगा। लोकेश राहुल को अभिनव मुकुंद की जगह खिलाने को लेकर फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं। ये साफ है कि अगर राहुल को टीम में शामिल किया जाता है तो फिर मुकुंद को बाहर होना पड़ सकता है। अगर लोकेश राहुल के आखिरी 5 टेस्ट पारियों के प्रदर्शन की बात की जाए तो उन्होंने लगातार 5 अर्धशतक जमाए हैं। उन्होंने आखिरी 5 टेस्ट पारियों में क्रमशः 90, 51, 67, 60 एवं 51 के स्कोर बनाए हैं। लोकेश राहुल का यह प्रदर्शन उनकी टीम में वापसी को और मजबूत बनाता है। श्रीलंका और भारत के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 3 सितंबर से 7 अगस्त तक कोलंबो में खेला जाएगा। इससे पहले विराट कोहली की सेना ने मेजबान श्रीलंका को गोल में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में बुरी तरह से पराजित किया था। मेहमानों ने श्रीलंका को 304 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 बढ़त हासिल की थी। भारत की कोशिश कोलंबो टेस्ट को जीत सीरीज में अजेय बढ़त प्राप्त करने की होगी।